भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का रस अद्भुत है, जो प्रभु की संतुति में लीन होता है, उन्हीं में मगन हो जाता है। हरि का नाम जाप करते हुए भगवान की शरण में रहने से जीवन सार्थक हो जाता है। कान्हा की ऐसी लगन हल्द्वानी निवासी हर्षिका पंत को भी लगी है। प्रभु को अपना स्वामी मान चुकी है और उन्हीं से विवाह करने की रट है। जी हाँ, हम बात कर रही हैं हल्द्वानी की प्रेमपुर लोशग्यानी से सटे इंद्रप्रस्थ कॉलोनी निवासी पूरन चंद्र पंत की 21 वर्षीय पुत्री हर्षिका की। हर्षिका बचपन से दिव्यांग है, भगवान श्री कृष्ण को दिल से अपना सब कुछ मान चुकी है। मुरली मनोहर संग उनके विवाह की मांगलिक कार्यक्रम भी शुरू हो गए हैं और आज गाजे बाजे के साथ पूरी विधि विधान से शादी की रस्में पूरी होगी। पिता पूरन चंद पंत ने बताया कि बेटी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन है। जब वो 8 वर्ष की थी तो उन्हें स्वप्न में कान्हा के दर्शन हुए और उसने ये बात अपनी माता मीनाक्षी पंत के साथ साझा की। तभी से उनका आकर्षण मुरली मनोहर की ओर हुआ। वह जब 10 वर्ष की हुई तो कान्हा के लिए करवा चौथ का व्रत रखना भी प्रारंभ किया और तब से प्रतिवर्ष व्रत भी रखती है। हर्षिका के पिता पूरन चंद का कहना है कि उन्हें वर्ष 2020 में अटैक पड़ा था और उनका शरीर पैरालाइज हो गया। ऐसे में वो 10 से 15 दिन तक बेहोश रहे। उसके बाद उन्हें होश आया तो बेटी ने कहा कि उन्हें कान्हा जी ने ठीक कर दिया। इसी के बाद से प्रभु के प्रति श्रद्धा और अधिक बढ़ गई। बताया कि अभी भी उनका उपचार चल रहा है। हर्षिका की माता मीनाक्षी पंत बताती है, बचपन से ही हर्षिका में भगवान श्री कृष्ण को लेकर प्रेम भाव है। वह बंद कमरे में मूर्ति के साथ बात करती है, रोती है, हंसती है और पूछने पर टाल मटोल कर जाती है। कक्षा 5 तक पढ़ी हर्षिका को हिंदी अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान है। वो टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर लेती है, मगर उसे एक ही चीज नागवार गुजरती है, वो है श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम। जब कोई राधा का नाम श्री कृष्ण के साथ लेता है तो वो क्रोधित हो जाती है। उसने अपनी शादी के लिए बकायदा वृंदावन जाकर पूरी खरीदारी की है। वृंदावन से ही श्री कृष्ण के श्रृंगार के सामान के साथ अपने श्रृंगार का सामान भी खरीदा है। तो अब हर्षिका की शादी को लेकर मोहल्ले में डीजे बज रहे हैं। महिलाएं ढोल की थाप पर मंगल गीत गा रही है, जमकर नाच गाने चल रहे हैं, पकवान बन रही है, मेहंदी भी लग चुकी है और युवती अपने प्रभु से मिलने की आस में सकुच आई बैठी है। और आज शादी है पर वो विदा होकर अपने ससुराल वृंदावन नहीं जाएगी, बल्कि घर वाले भगवान श्री कृष्ण को घर जमाई बनाने जा रही है, जिसे लेकर अब सभी उत्साहित हैं। हम वहाँ गए वृंदावन से कान्हा जी को लेके आए हैं। पूरे रीति रिवाज से पूरे जमाई को लाते हैं।